हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है।
इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन
उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, #गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, #गदर2 आ रही है।
इस स्वतंत्रता दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्रता दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर
उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को
वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, #गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, #गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है।
बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता
उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, #गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है।
इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखे। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं।
हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में हम। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेस्टेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को
वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम गदर 2 का नया मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है, इसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने इन दिनों अपने मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फिल्म को लेकर फैन के दिलों में उत्सुकता और बढ़ गई है। जाहिर किए गए इस मोशन पोस्टर में सनी देओल और एक्टर उत्कर्ष शर्मा शानदार लुक में नजर आ रहे हैं। जी स्टूडियो ने अपने इंस्टाग्राम पर गदर 2 का दमदार मोशन पोस्टर साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, अपने देश और परिवार की रक्षा करने के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है तारा सिंह, हैशटैग गदर 2 आ रही है। इस स्वतंत्र दिवस सिनेमा घरों में 11 अगस्त को देखें। शेयर किए गए इस मोशन पोस्टर में तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत यानी अभिनेता उत्कर्ष शर्मा को गोलियों से बचते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर भागते हुए दिखाया गया है। मोशन पोस्टर देखने के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं और साथ में टिप्पणी भी कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक अन्य ने लिखा, हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है।
बता दें कि अनिल शर्मा के निर्देशक में बन रही यह फिल्म साल 2001 में आई हिट गदर का सीक्वल है। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा एक बार फिर से तारा सिंह, सकीना और चरणजीत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म के पहले पार्ट यानी गदर एक प्रेम कथा था। प्रेम कथा में तारा सिंह ने अपनी पत्नी सकीना को वापस लाने के लिए भारत पाकिस्तान की सीमा पार की थी। वही फिल्म के सीक्वल में वह अपने बेटे चरणजीत को बचाने के लिए एक बार फिर सरहद पार करते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घर में रिलीज होने वाली है।